अगर आपका भी कुछ ऐसा फ़ोन इस कंडीशन का हो जाए तो क्या करना चाहिए। यही वही फ़ोन है जिसका हम लोगों ने रिप्लेस किया है। फ़ोन को हम लोगों ने रेडी किया है जो कि फ़ोन यहाँ पे है, अब देख सकते हैं। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे बढ़िया होंगे। और आज का वीडियो जो है थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज जो मेरे पास फ़ोन आया था वो 12 Pro Max था, और उसका अगर कंडीशन देखेंगे तो बहुत ही बैड कंडीशन था, जो कि ऑलमोस्ट ये पूरा उसका जो हिस्सा है वो टूट चुका था, ऊपर से फ़ोन ऑन भी नहीं हो रहा था। फिर हम लोगों ने उसको आज ऑन किया है और अब बताएंगे क्या क्या ख़राब हुआ है और क्या क्या कॉस्ट लगा है, वो सब डिटेल में बात करेंगे। और अपने चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो आपको इस स्क्रीन पे एक वीडियो चल रहा होगा, उसको देख पा रहे होंगे कि हाँ किस लेवल का कंडीशन था, डिस्प्ले का क्या हाल था, फ़ोन का क्या हाल था। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि यही वही फ़ोन है जिसका हम लोगों ने रिप्लेस किया है, और अभी उसका पूरा बॉडी हम लोग चेंज किया है, इसको पूरा रेडी किया है। इसका कंडीशन देखेंगे तो यहाँ से बिल्कुल ये ख़त्म हो चुका है, और इधर नीचे का हिस्सा देखेंगे तो ये भी पूरा से ख़त्म हो गया है। और इसमें इस फ़ोन को हम लोगों ने रेडी किया है, जो कि फ़ोन यहाँ पे है, अब देख सकते हैं फ़ोन को। और फ़ोन में हम लोगों ने सभी चीज़ बनाया है, फेस आईडी से लेके ट्रू फोन सभी कुछ डाला है, सब कुछ दिखाएंगे आपको, जो कि फ़ोन आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑन है। और साथ ही कैमरा देखेंगे तो कैमरा हमारा सब चल रहा है, फ्रंट कैमरा हो बैक कैमरा हो तो ये सब चल रहा है। तो आज के वीडियो में आपको बात करेंगे कि अगर आपका भी कुछ ऐसा फ़ोन इस कंडीशन का हो जाए तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको बताया तो इसमें क्या क्या ख़राब हुआ था। सबसे पहले इसमें ख़राब हुआ था बैक कैमरा, वीडियो में आपको प्राइस बताऊँगा और डिस्प्ले का भी प्राइस बताऊँगा, तो वीडियो में ज़रूर बनाना। बैक कैमरा ख़राब हुआ था इसका, वॉल्यूम का जो पत्ता है जिस लेवल से टूटा था, वॉल्यूम का पत्ता भी ख़राब हुआ है। उसके बाद ऊपर में फ्लैश लाइट का पत्ता वो भी कटा था, फ्रंट कैमरा था, फेस आईडी के साथ जो होता है वो भी कटा हुआ था, उसके पास में एक एंटीना का पत्ता होता है वो भी कटा हुआ था, साथ में जो वॉल्यूम फ्लेक्स जो बताया आपको प्लस माइनस ये वाइब्रेटर एक साथ होता है, और वायरलेस का ये पैड जो होता है, तो इसके हम लोग कंप्लीट नया ओरिजिनल ला के लगाए हैं। उसके बाद ये जो बॉडी है, जो कि बॉडी देख सकते हैं, ये ओरिजिनल बॉडी हम लोग लगाए हैं इसका। और ये जो इसमें डिस्प्ले भी टूटा था तो हम लोग इसमें ओरिजिनल डिस्प्ले भी लगाने का काम किए हैं। अब फटाफट चलते हैं प्राइस की तरफ। फिलहाल डिस्प्ले इसमें लगाने का कॉस्ट पड़ा है 9,500, जो कि ओरिजिनल डिस्प्ले है। बैक कैमरा का बात करें तो 4,000 पड़ा है। उसके बाद फ्लैश लाइट की बात करें तो 800 पड़ा है। एंटीना का बात करें तो 600 पड़ा है। और फ्रंट कैमरा फेस आईडी कंप्लीट रेडी करके उसका 2,000 पड़ा है। उसके बाद वॉल्यूम प्लस माइनस और वायरलेस पैड वाला फ्लेक्स को 700 पड़ा है। और नीचे का चार्जिंग जो ख़राब था, पूरा चार्जिंग पत्ता आता है जो बोर्ड से सीधा चार्जिंग बोर्ड के पास, उसका माइक होता है और जो भी स्पीकर नीचे कनेक्ट होता है वो सब होता है, तो उसका आपका पड़ा है 1,000 रुपया। तो ये कस्टमर का टोटल कॉस्ट आया है जो आपको बता दिए। कभी भी आपका अगर प्रॉब्लम हो तो आप मेरे शॉप विजिट कर सकते हैं, मेरा शॉप कोलकाता चांदनी मार्केट में है, वहाँ पर ज़रूर विजिट कर सकते हैं। या फिर आप कहीं आउट ऑफ कोलकाता है तो वहाँ से भी आपको हम लोग कुरियर कर सकते हैं, वहाँ से भी आप आ सकते हैं, भेज सकते हैं सॉरी। उसके बाद कहीं से भी ऑल ओवर इंडिया में भेज सकते हैं। और हम लोग एप्पल का पार्ट्स भी सेल करते हैं, तो अगर आप कुछ पार्ट्स वार्ट्स चाहिए, सिंगल पीस भी चाहिए, तो हम लोग पूरा डिलीवरी करते हैं। और आपको मेरा पास एवरी मॉडल का अपग्रेड बॉडी भी मिल जाएगा, 1 से 15 Pro, 11 से 15 Pro, तो ये सब बॉडी भी हम लोग के पास मिलता है। और आप बताएं, आपका भी अगर कभी ख़राब हो तो मेरा शॉप ज़रूर विज़िट करें। और ये फ़ोन हम लोग कम्प्लीट रेडी कर दिया है, जो कि देख सकते हैं फ़ोन कम्प्लीटली ओके है, कोई इशू नहीं है इसमें। और सिम उम नेटवर्क वेटवर्क वाईफाई वाईफाई सभी सब कुछ हम लोग चेक कर लिया है इसका, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, जो कि देख सकते हैं वाईफाई वाईफाई भी सब कुछ ओके है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? और वीडियो में अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। फिर दूसरे वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।